आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैथमेटिक्स पर लेके आया हूँ। 11th क्लास का मैथमेटिक्स आज के सेशन में मैं आपसे बात करूँगा। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी। देखिए, इससे पहले कि मैं सेट थ्योरी पर बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि सेट थ्योरी में बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम महसूस करते हैं। थ्योरेटिकल उनको लगता है, बहुत सी चीज़ें उनको अजीब सी लगती हैं, ये मैंने महसूस किया है। तो मैं उसका आपको रीज़न बता दूं, सेट थ्योरी बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। ये पूरे प्रॉब्लम का एक ही वजह है, वो ये है कि हम अपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना ही क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज पर या एग्जाम्पल पर चले जाते हैं, जिसके कारण हमको प्रॉब्लम होता है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही सजेशन है कि सबसे पहले आज का देखिए, मैं अपने मैथमेटिक्स के सभी वीडियो 2 पार्ट 3 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें मेरा फर्स्ट सेशन हमेशा कॉन्सेप्ट पर रहेगा। पहला सेशन जो मैं लूँगा, चाहे मेरा मैथ्स का कोई भी टॉपिक पर वीडियो हो, उसमें आप देखेंगे कि मेरा पहला जो वीडियो होगा उस चैप्टर का, वो कॉन्सेप्ट पर होगा। और सेकेंड वीडियो से मैं उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने शुरू करूँगा। आप भी प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखेंगे और अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जो भी वर्क मैं आपको दूंगा, जो फार्मूले दूंगा, वो फार्मूला आप लर्न करेंगे। नाउ आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सरसाइज इन सेकंड वीडियो, क्लियर। तो आज मैं अपने फर्स्ट वीडियो में आपको सेट के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सेट, सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज सेट। दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ द सेट। एक्चुअल में सेट होता क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज ए सेट। मतलब क्या हो इसका? वेल डिफाइंड, यहां पर मैं एक बात पर जोर दे रहा हूं बार बार, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेट। वेल डिफाइंड मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसका अपना कोई एक सेंस हो। मैं यहां आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यहां पर मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, एंड मैंने सेकंड सेट यहां पर लिखा ए बी 3 7 अल्फा एंड सो ऑन। ये दो मैंने सेट यहां कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू, दैट इज वेल डिफाइंड, दिस इज द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज वेल डिफाइंड। हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है, वावेल्स का एक सेट है। बट इन दिस केस वी नॉट डिफाइंड द एलिमेंट्स। ये इंग्लिश अल्फाबेट है, यहां पर फिर न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, फिर ग्रीक अल्फाबेट आ गया, तो इसका अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए क्या है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी आपको सेट समझते समय पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। तो सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज ए सेट, क्लियर। अब यहां पर आज हम बात करेंगे सेट के टाइप्स पर, कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं, किस इस तरह के होते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेट, मैंने पहले ही बता दिया कि आज के मेरे सेशन में मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जो सेट में जो वर्ड्स यूज होते हैं, उन पर आपसे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट, एम्प्टी सेट को अपन नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट मतलब इट हैज नो एलिमेंट्स, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको भी हम सेट मानते हैं, बट उसको क्या कहते हैं अपन, एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसको इस तरह से ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम फाई या ये कहलाता है एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। नाउ सेकंड इज
singleton set. Singleton set means it has only one element. जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो वो singleton set कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू सपोज वन, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज वन. फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल ऑफ इंडिया इज singleton set, कि ओनली वन यूनिक सिटी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दैट मीन्स भारत की राजधानी एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती. तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अपन उसको singleton set कह सकते हैं. मतलब ऐसा सेट जिसका ओनली वन एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा, singleton set कहलाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट मीन्स इट हैज फाइनाइट एलिमेंट्स. मतलब जो काउंटेबल हो, जो गिनती के हो, जिनको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, जिनका जिनकी संख्या फिक्स है, दैट इज फाइनाइट. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, द सेट ऑफ इंग्लिश वावेल्स ए ई आई ओ यू, दिस इज फाइनाइट सेट. क्योंकि ये फाइव ही होंगे, ये सिक्स नहीं हो सकते, फोर नहीं हो सकते. तो ऐसा सेट जहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उनको इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा, वो फाइनाइट सेट कहलाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज देखिए, ये जितना भी मैं सेट का टाइप बता रहा हूँ यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है. यदि आप इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो आपको सेट का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा. क्लियर. अब देखिए, जब फाइनाइट अपने पास नंबर ऑफ फाइनाइट सेट रहता है, फिर यूनिवर्सल सेट होता है, उस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा. सबसे पहले अपन देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब इसको ध्यान से समझिए. सपोज एक सेट मेरे पास ये ए है, ए इक्वल टू वन टू थ्री, एंड सेट बी इक्वल टू ए बी सी. दैट मीन्स यहाँ पर दोनों सेट का आप कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेट के एलिमेंट्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. सेट ए के पास भी थ्री एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास भी थ्री एलिमेंट्स हैं. तो ऐसे दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, भले एलिमेंट्स अलग अलग हों लेकिन उनके क्या हों, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू एन बी, एन मतलब नंबर ऑफ, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए कहलाता है इक्विवेलेंट सेट. नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट. देखिए इक्वल सेट क्या होता है, नाम से क्लियर है. इक्वल सेट मतलब दो ऐसे सेट जो कंप्लीटली इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम. फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज आल्सो ए बी सी, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा. इसको हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं. दैट मीन्स उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ उनके एलिमेंट भी सेम टू सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे. एंड नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेट, दैट इज सबसेट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि सबसेट आप बार बार यूज करेंगे. ए सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इज द मेंबर ऑफ सेकंड सेट. दैट मीन्स यहाँ एग्जांपल से आप समझ पाएंगे. सपोज यहाँ पर मैंने एक सेट लिया ए इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन, एंड बी इक्वल टू वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ये, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी. हियर ए इज द सबसेट ऑफ बी. कैसे हुआ, ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट हैं. देखिए ए के पास जो थ्री एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री, वो इसके पास भी है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा. क्लियर. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट आपको मैं कुछ नोट बताता हूँ. ये आप थ्री पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, ये थ्री पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि सबसेट की जो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट, नल सेट आर एम्प्टी सेट इज सबसेट आर
सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। दैट मीन्स ये जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो सबका सबसेट होता है। क्यों होता होगा? क्योंकि एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो सबका सबसेट हो सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताया कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सेट्स, सभी सेट का सबसेट होता है ये। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल सेट्स आर इटसेल्फ सबसेट, खुद का सबसेट होगा क्योंकि इक्वल सेट होगा, खुद खुद का सबसेट तो होगा ही क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट खुद के पास तो होंगे ही। तो सभी सेट इटसेल्फ क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। एंड थर्ड इज नंबर ऑफ सबसेट। देखिए नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, सपोज हमको किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, सपोज ये 1, 2, 3 का हमको सबसेट फाइंड करना है इस सेट का, ओनली ए का, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? इसके लिए फार्मूला है इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको पावर ऑफ द सेट भी कहा जाता है या पावर सेट कहा जाता है, ये ध्यान रखना, पावर सेट भी कहते हैं। तो ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा समय एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। सपोज मैं इस 1, 2, 3 एक छोटा सा एग्जांपल लिया उसी को, ए इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसका कितने सबसेट बन सकते हैं आप देखिए। सबसेट्स अपन काउंट करते हैं, सबसेट्स काउंट करते हैं, सब पहले क्या होगा? फाई, क्योंकि मैंने बोला कि फाई क्या है, सबका सबसेट होता है। तो फर्स्ट इज फाई, सेकंड इज 1, 2, 3, सिंगलेट आन सेट अपन बना लिए। उसके बाद 1, 2 एक हो जाएगा, 1, 2 वन का 2 के साथ, फिर हो जाएगा 2, 3 2, 3 के साथ हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, 1। क्लियर? तो हमने सबसेट काउंट कर लिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? और सॉरी, इट सेल्फ भी सबसेट होता है तो खुद भी हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि मैंने बताया कि ऑल सेट आर इट सेल्फ सबसेट। तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, यहाँ पर हम इसको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये हो गया 8 सबसेट, ये हमने काउंट किया। तो अब सपोज हम उसको फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करना चाहें, इसके हेल्प से, तो दैट इक्वल 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास? 1, 2, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो यहाँ पर 2 to the power 3 कर दूँ तो 2 to the power 3 इज आल्सो 8, ये भी 8 हुआ, देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 2 to the power n, वो नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने का फार्मूला है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज पावर ऑफ सेट, इसको पावर सेट भी कहा जाता है। तो अब ये फार्मूला क्रिएट करने से फ़ायदा ये हुआ कि हम इस तरह से सबसेट तो काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर अपने पास ओनली 3 एलिमेंट थे तो हमने ओनली 3 एलिमेंट को लेकर सबसेट काउंट कर दिया, लेकिन सपोज अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो तो हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है ये फार्मूला काम आता है। ये है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया आपको सबसेट। तो सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान देंगे। नाउ नेक्स्ट सेट इज, ये मैं इरेज कर देता हूँ इधर से, नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। सपोज 7th नंबर पॉइंट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके जितने भी सेट है सबसेट, सबसेट बहुत आसान है। सपोज इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पास ये क्या है, ऑल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 इन्फिनिटी, ये ऑल नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। अब मैं यहाँ पर कुछ सेट बनाऊँ, ए इक्वल टू सपोज 1, 2, 3, फिर बी इक्वल टू ले लिया सपोज मैंने 2, 4, 6 एंड 1, ये सब क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। तो एक ऐसा सेट कि सभी सेट जितने भी सेट अपने पास हैं वो सब के सब क्या हों, उसके सबसेट हों, तो वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर? तो ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट सेट के टाइप्स में बताया, क्योंकि ये सब सेट के टाइप्स आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये काम में आएगा, इसलिए सबसे पहले आपको सेट के टाइप्स को समझना है। अब मैं आपको बता दूँ इसके ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब किस तरह से इसमें प्रोसेस होता है और हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ मैं पैरेलल उसके बताऊंगा वेन डायग्राम।
ऑपरेशन ऑफ सेट दैट मीन्स प्रोसेस एंड वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑफ द सेट एंड वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है? जैसे हम सिंपल एलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसी तरह से सेट थ्योरी में कुछ स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं। इस स्पेशल ऑपरेशंस को हम ऑपरेशन ऑफ द सेट कहेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन सेट किस तरह से अपन फाइंड करते हैं, देखिए सपोज अपने पास एक सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये है, और बी एक सेट मेरे पास है सपोज 2, 4, 5, 6, 7 ये। ये टू मैंने सेट कंसीडर किया ए एंड बी। अब यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, यूनियन यू को लेकर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी जो बनेगा उसको किस तरह से लेते हैं? यूनियन का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट शामिल होने चाहिए लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो आएगा। अब यहाँ चले आइए तो 4 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है तो उसको नहीं लेंगे, 5 न्यू एलिमेंट है तो 5, 6, 7 ये कहलाता है यूनियन। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि टू सेट का जो यूनियन होता है इस तरह से अपन लेते हैं। अब इसका सपोज हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो ये एक ए सेट के एलिमेंट्स हैं सपोज, और ये सपोज बी सेट के एलिमेंट्स हैं। ए और बी मैंने ये बनाया ए एंड बी, तो इसका सभी एलिमेंट्स यहाँ लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 इसके सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए 4, 5, 6, 7 लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उस कॉमन एलिमेंट्स को हम इस कॉमन एरिया में लिख देते हैं, क्लियर। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 हमने यहाँ लिख दिया। ये यूनियन का वेन डायग्राम है और वेन डायग्राम ये कंप्लीट शेडेड होगा, मतलब जितना भी आप एरिया देख रहे हैं वो इसका शेडेड एरिया जो है वो यूनियन का, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट शामिल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से क्या होता है यूनियन। तो आपको यूनियन ऐसा समझना है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसा होता है देखिए, मैं इसी एग्जांपल को लेके इसका सेम एग्जांपल पर आपको इंटरसेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, सेम एग्जांपल पर, क्लियर। सपोज ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन कहलाता है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसी को बस लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 और यहाँ पर 4, तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन एलिमेंट, बोथ सेट्स, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ओनली 4। और इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ये सपोज ए है और ये बी सेट है, तो ए सेट बी सेट के पास क्या क्या है, 5, 6, 7, 1, 2, 3 और जो कॉमन एरिया है जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ये 4 है, और इंटरसेक्शन में ओनली 4 एलिमेंट है, तो ये जो एरिया है वो इंटरसेक्शन एरिया है। तो शेडेड हम इसको करेंगे, ये है इंटरसेक्शन एरिया ओनली। यहाँ पर देखिए शेडेड पूरा है और यहाँ पर शेडेड ये है, ये इंटरसेक्शन का क्लियर होता है, आगे समझ में। तो ये कहलाता है कि हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशन है। नाउ थर्ड इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इफ टू सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, क्लियर। यदि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, तो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, ए इक्वल टू सपोज मेरे पास 1, 2, 3 है और बी इक्वल टू एलिमेंट्स है सपोज 4, 5, 6, देखिए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इट हैज नो कॉमन एलिमेंट, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 4, 5 कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है।
तो ऐसा सेट, ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई हो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। क्लियर? ये एक एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिए, इसीलिए मैंने आपके अपने इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कहा कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। देखिए इसके बाद मेरे आप नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करेंगे जिसमें मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको बहुत ईजी लगेगा वो, ये लेकिन प्रिपेयर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस मतलब माइनस करना। माइनस किस तरह से अपन सेट को करते हैं, यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं सेट ए इक्वल टू सपोज 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल टू सपोज, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 4, 5, 6, 7। ये एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे आप प्रॉपर। अब यहां पर यदि मैं ए माइनस बी करूं, देयर फॉर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का सेंस क्या होता है थोड़ा ध्यान समझना। ए माइनस बी में हम ए के वो सारे एलिमेंट्स को लेंगे जो बी के पास नहीं है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के सभी एलिमेंट्स बट नॉट इन बी। दैट मीन्स क्या क्या हुआ यहां पर, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4 कॉमन है तो इसको हम नहीं लेंगे, ओनली ए के पास होना चाहिए, ओनली ए। तो 1, 2, 3 ए के पास है, ये तो उनके पास है ही नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये कहलाता है ए माइनस बी। तो ए में जब हम बी को माइनस करेंगे तो इस पर ए के वो एलिमेंट, अब ध्यान से सुनिए, ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो ओनली ए के पास हैं, जो दोनों के पास होंगे वो भी नहीं लेंगे और इसके बाद जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट से बचे हुए उसको भी नहीं लेंगे। यदि यहाँ पर मैं बी माइनस ए निकालता, सपोज बी माइनस ए यहाँ पर फाइंड करूँ, तो देखो बी माइनस ए क्या होगा, अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 तो दोनों के पास है, ये हट गया, 5, 6, 7 ओनली 5, 6, 7 ये बी माइनस ए होगा। आगे समझ में? तो ए माइनस बी इस तरह से फाइंड करते हैं और ये होता है बी माइनस ए। एंड नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ये से मिलता जुलता है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल बी से, ए डेल बी, ये डेल का साइन है बीच में, ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है और ए डेल बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दोनों का जो यूनियन होता है ये इसका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस मीन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी क्या है, 1, 2, 3 1, 2, 3 और b के साथ में इसका यूनियन होगा तो क्या हो जाएगा, 5, 6, 7 ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। यदि हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से हम बना सकते हैं, यहाँ पर मैं बनाया था छोटा सा, देखिए ये ऐसा और a के पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4, 5, 6, 7 लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 को हम यहाँ पर ले लें कॉमन एरिया में तो 1, 2, 3 और 5, 7, 7, 6 दैट मीन्स ये 4 को छोड़ के मतलब जस्ट अपोजिट है किसका, इंटरसेक्शन का। आप इंटरसेक्शन में देखिए 4 कवर्ड एरिया है, 4 शेडेड है, यहाँ पर 4 को छोड़ के, 4 को छोड़ के बाकी कवर है, तो यह कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। दैट मीन्स ए डेल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बताया, अब आप देखिए कंप्लीमेंट्री सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीमेंट्री सेट का मतलब क्या है, देखिए इसको हम यहां पर एग्जांपल से इसको समझाऊं क्योंकि पूरे सेट थ्योरी आपको एग्जांपल से ही समझ में आएंगे। सपोज ए इक्वल टू, एक यूनिवर्सल सेट है अपने पास यू, यू इक्वल टू सपोज हमने ले लिया 1, 2, 3
ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है n, एक यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट हमने ले लिया यहाँ पर सपोज 1, 2, 3, तो कम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट कहलाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a डैश r a टू द पावर c से। ये कम्प्लीमेंट्री सेट का सिंबल है और कम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट हो जाएगा u माइनस a। मतलब यूनिवर्सल सेट में यदि हम क्या करें, एक सेट को माइनस कर दें तो उसका क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, देखिए ओनली ये गायब हो जाएंगे और वहाँ से हो जाएगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये कहलाता है कम्प्लीमेंट्री सेट। क्लियर? मतलब किसी भी सेट का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वह यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करने पर फाइंड होता है। इसको ए डैश या ए टू द पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आपको 12th क्लास में जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसको हम रिलेशन कहते हैं, वो रिलेशन और आपके भी क्लास में रिलेशन है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान से समझिए, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट का प्रोडक्ट। तो सेट के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाऊं मैं इसको। सपोज a इक्वल टू 1, 2, 3 ये है, और b इक्वल टू सपोज a, b, c ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब इनका मैं प्रोडक्ट करूं a क्रॉस b तो कैसे होगा, देखिए a क्रॉस b तो कितने एलिमेंट्स बनते जाएंगे। सबसे पहले इसका रूल है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट का ये सब के साथ बारी बारी से ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा तो हो जाएगा 1a एंड 1b एंड 1c। अब इसके सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, दैट इज आगे 2a 2b एंड 2c। नाउ ऑर्डर पेयर ऑफ थर्ड तो हो जाएगा 3a 3b एंड 3c। ये इस तरह से एक क्रॉस b होगा। मतलब क्या कर रहे हैं आप समझ गए, फर्स्ट सेट के पहले एलिमेंट के लोग के सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। सपोज इसको मेरे को बी क्रॉस ए बनाना होता तो बी क्रॉस ए इक्वल टू किस तरह से बनता, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ए का वन के साथ, इसको हम लिखेंगे ए वन ए टू ए थ्री, अब आगे आप समझ गए होंगे एंड सो ऑन, इस तरह से। क्लियर? तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेशन में आप मेरा क्लास जब आप देखेंगे, नेक्स्ट सेशन के मेरे वीडियो को आप अटेंड करेंगे, उसमें मैं आपको उसको सेट को किस तरह से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डिंग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से यदि आपको एक्सरसाइज को सेट को अच्छे से समझना है तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, इसी बेस पर आपको आगे तैयार होगा। ओके, थैंक यू।